स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने स्कूल फीस कम कराने आए पालक संघ से अभद्रता करते हुए कहा कि मरना है तो मर जाएं, जो करना है करें, जिसके बाद इस अभद्र टिप्पणी पर अभिभावकों ने इंदर सिंह परमार से इस्तीफे की मांग की है। वहीं इसको लेकर एनएसयूआई ने प्रदेश भर में इंदर सिंह परमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भोपाल में स्कूल फीस कम करने की मांग पर प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने अभिभावकों पर अभद्र टिप्पणी की। उन्होंने अभिभावकों से कहा कि मरना है तो मर जाएं, जो करना है करें, जिसको लेकर अभिभावक संघ में काफी रोष है। एक तरफ आम जनता स्कूलों की बढ़ती फीस और मनमाने रवैये से परेशान है, वहीं मंत्री के इस बयान से भी दुखी हैं। अभिभावक संघ ने टिप्पणी पर आपत्ति जताते हुए इंदर सिंह परमार से इस्तीफे की मांग की है। वहीं एनएसयूआई ने भी इंदर सिंह परमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एनएसयूआई प्रदेश भर में इंदर सिंह परमार का पुतला जलाएगी। सर, हम यहाँ के नागरिक हैं सर, आप ये गलत बोल रहे हैं सर। मर जाए साहब, मतलब मंत्री साहब का कहना आप मरो, कुछ भी करो, हम कुछ नहीं करें। भैया धक्का प्लेट नहीं होगी, हम लोग धक्का नहीं देंगे किसी को। आज मध्य प्रदेश सरकार द्वारा या शिक्षा विभाग द्वारा जो उच्च न्यायालय के आदेश निकाले, सीबीएसई निजी स्कूल अपनी मनमानी तरीके से सभी से फीस वसूल रहे हैं। अभिभावकगण परेशान है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि स्कूल कोई मुनाफाखोरी नहीं है। लेकिन आज मध्य प्रदेश में 6 महीने बीत जाने के बाद इस सत्र में मध्य प्रदेश सरकार ने कोई आदेश नहीं निकाला है। आज निजी स्कूल गुमराह कर रहे हैं कि सरकार ने कोई आदेश नहीं दिया है। उसी आदेश को लेकर हम माननीय मंत्री महोदय से हमारा प्रतिनिधिमंडल मिलने आया है, तो उस पर क्या उनकी कार्रवाई करने के लिए वो तैयार है। इस कोरोना काल की बात करें तो आर्थिक व्यवस्था ठप पड़ी है, कारोबार उद्योग व्यवसाय बंद पड़े हैं, लॉकडाउन के कारण सब व्यापार व्यवसाय सब चौपट पड़े हैं, लोगों की आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है। और मध्य प्रदेश सरकार से लगातार लोग राहत की मांग कर रहे हैं, कहीं बिजली के बिल में राहत की मांग करते हैं, कभी स्कूली फीस के अंदर राहत की मांग करते हैं। अब प्रदेश के स्कूली शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार से स्कूल के पालक संघ के लोग अभिभावक बच्चों के मांग करने के लिए गए कि चूंकि कोरोना काल चल रहा है, लॉकडाउन का दौर चल रहा है, ऑनलाइन पढ़ाई हुई तो फीस के अंदर राहत दी जाए। लेकिन बड़ी बेशर्मी की बात है कि स्कूली शिक्षा मंत्री ने उन्होंने कहा, झिड़कते हुए कहा कि जाओ आंदोलन करना है तो करो और मरना हो तो मर जाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और उसके बाद उनके सुरक्षा गार्ड ने पालक संघ जो अभिभावक हैं बच्चों के उनको धक्के देके वहां से हटाया। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।